सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज अनबॉक्स करेंगे दोस्तों इस रिमोट कंट्रोल फॉर्मूला वन रेसिंग कार का। चलो दोस्तों इसको ओपन करते हैं और देखते हैं ये कार कैसी होने वाली है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसका बॉक्स है, यहाँ पर लिखा गया है SFI90 करके 1.12 मॉडल की ये कार है और यहाँ पर कार मॉडल करके कुछ लिखा गया है। 3+ एज के लिए है, रिमोट कंट्रोल कार है, स्टॉप का ऑप्शन है, लेफ्ट राइट का ऑप्शन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पर SFI90 करके लिखा गया है। कुछ इस तरह से हमारी रिमोट कंट्रोल कार होने वाली है। चलो तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कार कैसे होने वाली है। ये मैंने लगभग 4,000 रुपए में मंगाई है। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर खरीद भी सकते हो। ये इसका रिमोट है, रिमोट की क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है और 4,000 रुपए के हिसाब से ये रिमोट की क्वालिटी ठीक नहीं है। वैसे तो प्लास्टिक ठीक है इसका। और ये इसके साथ एक आई है बैटरी जो कि है 6 वोल्ट की। और ये है हमारी रिमोट कंट्रोल कार, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है। टायर भी प्रॉपर रबड़ के बने हुए हैं, लेफ्ट राइट के लिए भी इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है और पीछे के टायर भी ठीक ठाक लग रहे हैं वैसे तो। और ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो कार का लुक तो ठीक ठाक है और कार की लंबाई भी ठीक है, पर ये 4,000 रुपए की मेरे को नहीं लग रही। तो इसके अंदर बैटरी डालकर देख लेते हैं, देखते हैं किस तरह से चलती है, इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। कुछ इस तरह से इसके अंदर बैटरी डलेगी यहाँ पर और यहां से हम बंद कर देंगे इसको और रिमोट के अंदर भी 2 AA बैटरी डलेगी। तो रिमोट के अंदर भी हम डाल लेते हैं, तो मैंने 2 AA बैटरी इसके अंदर भी डाल ली है। अब इसे हम बंद कर देते हैं। चलो तो हमने इसके अंदर भी बैटरी डाल ली है, इसके अंदर भी बैटरी डाल ली है और आपको थोड़ा सा चला के दिखा देते हैं। तो भाई आप देख सकते हो स्पीड तो बहुत ज्यादा लग रही है आगे पीछे, और कटाई भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो कटाई भी ठीक ठाक हो रही है। तो चलो इसको हम लेके चलते हैं बाहर और देखते हैं इसकी स्पीड कितनी किलोमीटर प्रति हॉर्स है। लेट्स गो फास्ट दोस्तों। सो गाइस बाहर लेके आ गए हैं इस रिमोट कंट्रोल कार को, चलो इसे हम चलाकर देखते हैं। इसका कंपेयर करने वाले हैं हमारे पास एक दूसरी फॉर्मूला वन रेसिंग कार है उसके साथ। चलो पहले इसे हम चलाकर देख लेते हैं, फिर उसके साथ हम कंपेयर भी कराएंगे। सो गाइस कार बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है और कार की कटाई भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है, आप देख सकते हो, और ड्रिप भी बहुत अच्छी तरह से लगा रही है। सो गाइस ये है हमारी दूसरी फॉर्मूला वन रेसिंग कार, चलो इसे हम चलाकर देख लेते हैं एक बार, फिर दोनों की कराएंगे रेस और मनाएंगे टक्कर और देखेंगे रिमोट रेंज इन दोनों में से किसकी ज्यादा है। वैसे तो ये कार भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, आप देख सकते हो, और लेफ्ट राइट भी ठीक ठाक तरह से मुड़ रही है और ड्रिफ्ट भी ठीक ठाक तरह से लगा रही है दोस्तों। चलो दोनों की कराते हैं रेस। कार जीतती है, चलो रेस स्टार्ट कर देते हैं और रेस हो गई है स्टार्ट, आप देख सकते हो, और व्हाइट वाली कार और रेड वाली कार साथ साथ चल रही है दोस्तों। और अब हमारी रेड वाली कार इससे आगे निकल गई है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हो इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति हॉर्स स्पीड है दोस्तों, बहुत ज्यादा स्पीड होने के कारण उसको बहुत पीछे छोड़कर आ गई है ये कार। और इस रेस में हमारी रेड वाली कार विनर भी हो गई है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर बेल चैनल को सब्सक्राइब करना। आप देख सकते हो दोस्तों इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है और वास्तव में बहुत ही अच्छी तरह से ये चल रही है। और हमारी व्हाइट वाली कार ये देखो पीछे ही रह गई है और इसकी भी स्पीड ठीक ठाक है पर उससे बहुत कम है इसकी स्पीड, तो ये हार गई है वो जीत गई है। सो गाइस आपने दोनों कारों की रेस देखी होगी, ये कार जीत गई है गाइस, बहुत ज्यादा स्पीड थी इस कार की और इसकी बहुत कम थी। और दोनों के बीच में हम मराएंगे टक्कर और करेंगे टैग ओवर, फिर टेस्ट करेंगे दोनों की रिमोट रेंज किसकी ज्यादा है, तो लेट्स गो। सो गाइस दोनों कारों के बीच में टक्कर लग गई है और रेड वाली कार ने व्हाइट वाली कार को ऊपर चढ़ाकर घसीटते हुए आगे ले जा रही है और अब उल्टा दिया है व्हाइट वाली कार को। और आप देख सकते हो दोस्तों कितनी भयंकर टक्कर लगी थी और हमारी रेड वाली कार टक्कर में जीत गई है। और अब देखते हैं रेड वाली कार व्हाइट वाली कार को आगे तक कितनी दूर ले जाती है, और आप देख सकते हो बहुत दूर तक ले गई है और व्हाइट वाली कार तो इसे हिला भी नहीं पाई है पूरी तरह से। चलो तो अब कराते हैं दोनों कारों के बीच में टग ओवर, और टग ओवर स्टार्ट हो गई है और हमारी व्हाइट वाली कार आगे से थोड़ी सी उठ गई है पर रेड वाली को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। दोनों कारों में समान पावर होने के कारण दोनों कारें
कारें एक जगह से नहीं हिली है और दोनों कारें बराबर रह गई है। चलो तब कराते हैं दोनों कारों के बीच में रिमोट रेंज टेस्ट, और रिमोट रेंज टेस्ट में देखेंगे कौन सी कार की रिमोट रेंज ज्यादा है। और हमारी व्हाइट वाली कार तो यहाँ पर जाकर रुक गई है आप देख सकते हो, और रेड वाली कार अभी तक जा रही है लगभग 40-50 फीट तक लंबी गई है और भी जा रही है देख सकते हो दोस्तों। तो सबसे ज्यादा इन दोनों कारों में रिमोट रेंज है हमारी रेड वाली कार की, आप देख सकते हो 40 से 50 फीट है।